हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। शुरू करने से पहले एक थ्योरम कर लेते हैं। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम सेपरेट करते हैं इसको, यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। फर्स्ट, इफ ए सेट इक्वल टू बी, अगर दो सेट इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए कंटेंड इन बी एंड बी कंटेंड इन ए। अगर आपको ये शो करना है कि दो सेट हमारे इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, ए सेट को बी में कंटेन शो करेंगे और बी सेट को ए में कंटेन शो करेंगे। अगर इसके एलिमेंट बी में आ जाते हैं और बी के एलिमेंट ए में आ जाते हैं, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी हो जाता है। तो यही रूल हम इसको प्रूव करने के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। प्रूव ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके हम इसको प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, एंड इसको ए पोर्शन ले लेते हैं, इसको बी पोर्शन ले लेते हैं। हमने इसको इसमें कंटेन दिखाया, अब इसको इसमें कंटेन शो करेंगे, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए ये सेट इसमें कंटेन होना चाहिए और ये सेट इसमें कंटेन होना चाहिए, यानी उल्टा शो कर देंगे। जैसे अभी हमने बताया कि अगर ए इक्वल टू बी शो करना है, तो हम इसके लिए प्रूव करते हैं कि ए कंटेन करेगा बी में एंड बी कंटेन करेगा सेट ए में। तो यही चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। ए पार्ट उठा लीजिए, फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कंटेंड इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये सेट इसमें कंटेन होना चाहिए। अब ये सेट इसमें कंटेन कब होगा, जब इसके एलिमेंट हम इसमें शो कर देते हैं। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने उठाया कि एक्स हमारा इस सेट का नंबर है। अगर एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब X doesn't belongs to A union B में, इस सेट में नहीं होगा। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो उस सेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर A union B में कोई नंबर बिलोंग नहीं करता है, वो कब नहीं करता, या तो X A में नहीं होगा, सॉरी या नहीं, X belongs doesn't belongs to A and X doesn't belongs to be, and होगा, यानी लेके चलेंगे हम यहाँ पे, और का यूज़ नहीं करेंगे, and का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर x a में हुआ तो भी यूनियन में जाएगा, और अगर x b में हुआ तो भी जा सकता है। तो हम कह रहे हैं कि x हमारा a यूनियन b में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ना तो x a में मिलेगा और ना ही x b सेट में मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने बताया था कि यूनियन के लिए हम यूज़ करते हैं और का, और इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं एंड का। तो एंड आ जाता है वहाँ पे सिंबल, हम इंटरसेक्शन लगाते हैं, और आ जाता है वहाँ पे हम यूनियन सिंबल लगाते हैं। हमने कहा कि एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, एंड अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में। अगर से ए में नहीं होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट में डेफिनेटली मिलेगा, सेम टू सेम यहाँ पे एक्स बी में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। हमने कहा कि एक्स नंबर ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और एक्स नंबर बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, इसका मतलब एक्स हमारा बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में कब आता है, जब नंबर जो आपके पास एक दोनों सेट में बिलोंग करता है, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में भी एक्स आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या शो किया, यहाँ से एक्स उठा के चले थे हम इस सेट का नंबर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, और हमने शो किया कि एक्स हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी डैश कंटेन कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में, यानी ये सेट इसमें कंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि इसके सारे नंबर हमने इसमें शो कर दिए। ठीक है, एक्स हम आर्बिट्री नंबर लेके चलते हैं जो हर एक के लिए आपके पास शो करके चलेगा। रिवर्स पार्ट करते हैं इसका, बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहते हैं कि आपको प्रूव करना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कंटेन करना चाहिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका कोई नंबर उठा लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई भी एलिमेंट दो सेट की इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, x belongs to A complement and x belongs to B complement. x हमारा A complement में भी होगा और x B complement में भी होगा। क्यों? क्योंकि हम intersection की बात कर रहे हैं। अगर x A complement में belong कर रहा है, that means x doesn't belongs to A. x जो वो हमारा A में नहीं belong करेगा, and x doesn't belongs to B. X हमारा B में belong नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि X B complement में belong कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो X A में है ना ही X B में है। इसका मतलब X हमारा A union B में भी नहीं मिलेगा। यूनियन में कब मिलता है, या तो x a में होना चाहिए या x b में होना चाहिए या फिर दोनों सेट में होना चाहिए, तो हमारा यूनियन में आ जाता है। ठीक है, तो यूनियन अगर x a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, तो यूनियन में भी नहीं मिलेगा। इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू कहाँ मिलेगा फिर हमें, ये कॉम्प्लीमेंट में, तो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। ठीक है, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। किसका एलिमेंट लिया था, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, शो कर दिया a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में। इम्प्लाइज दैट आप लिख सकते हो यहाँ से कि a डैश दिस इज सेट इंटरसेक्शन B डैश, ये सेट किस में कंटेन कर रहा है, A यूनियन B डैश में। ठीक है, यहाँ से हमने इसमें बिलोंग करवाया था, इसका मतलब हमारा A डैश इंटरसेक्शन B डैश कंटेन कर रहा है A यूनियन B डैश। तो दोनों से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये दोनों हमारे आपके पास इक्वल हो जाएंगे, यानी ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर दो सेट इक्वल दिखाने हैं तो ए बी में कंटेन करेगा, बी ए में कंटेन करेगा। सेम रिजल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड आपको लेके चलना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको ओपन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन उल्टा हो जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं, वही चीज़ शो करेंगे। हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, फर्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश कंटेन करेगा ए डैश यूनियन बी डैश में, एंड सेकेंड आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उल्टा कर देंगे इसका, ए डैश यूनियन बी डैश कंटेन करेगा कंप्लीट सेट ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दोनों चीज़ अगर हम प्रूव कर देते हैं तो सेट हमारा दोनों सेट इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये प्रूव करते हैं, तो पहले हम इस सेट का नंबर उठाते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स एक्स हमारा कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, ए इंटरसेक्शन बी सेट में। हमने कहा कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स
x doesn't belongs to A intersection B में, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होता, ठीक है। अगर x A intersection B में नहीं है, दैट मीन्स x doesn't belongs to A एंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम, x अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो x हमारा या तो A में नहीं होगा, ठीक है, और x doesn't belongs to B set, ठीक है। अगर x A में नहीं है, इसका मतलब x कहाँ मिलेगा हमें, कॉम्प्लीमेंट में, ओके, एंड x belongs to B कॉम्प्लीमेंट में, B में नहीं है तो B कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, implies that x belongs to, अगर a डैश और b डैश में आपके पास गिवन है तो a डैश यूनियन b डैश में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, तो यही सेट हमें चाहिए था, हमने इस सेट का नंबर उठाया, इसमें शो कर दिया, इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू, सॉरी कंटेनिंग a डैश यूनियन b डैश फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड प्रूव करते हैं, उल्टा प्रूव करोगे तो हम इसका नंबर उठा के चलते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, अगर x a डैश यूनियन b डैश में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a डैश या फिर x बिलोंग करेगा b डैश में, क्योंकि और क्यों लगाया हमने, क्योंकि यूनियन में जो नंबर जाता है या तो वो ए सेट ए डैश इस सेट में मिल जाए या इस सेट में मिल जाए, दोनों में भी हो तो भी यूनियन में जाएगा, अगर एक सेट में आता है तो भी, और एक में नहीं हो दूसरे में आ जाए तो भी यूनियन में जाता है, तो यूनियन के लिए हम और यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या यूज़ किया, एंड, इसका मतलब होता है एंड, ठीक है। एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट में, दैट मीन्स एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए सेट में, और x doesn't belongs to B set, अगर x A में भी बिलोंग नहीं कर रहा, x B set में बिलोंग नहीं कर रहा, implies that x बिलोंग नहीं करेगा हमारा A intersection B में, या तो x हमारा A में नहीं है या हमने कहा x हमारा b में नहीं है। अगर a में हुआ, मान लीजिए कि अगर x a में मिल जाता है या फिर x b में नहीं मिलता, मतलब एक में मिल जाता है तो भी इंटरसेक्शन में नहीं आता, तो हमारे पास क्या, हम कह रहे हैं कि x ना तो a में बिलोंग कर रहा है या फिर x b में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। अगर x हमारा इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा तो कहाँ मिलेगा हमें, x a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, इस सेट का नंबर उठाया हमने, इसमें प्रूव कर दिया, इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या आ जाएगा, a डैश यूनियन b डैश कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी डैश में, ठीक है। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, ये था आपके पास डी मॉर्गन ला। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5, दो क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये आपके पास सेट्स गिवन है, इनका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यूनिवर्सल सेट लिख लीजिए, यू से डिनोट कर लेते हैं, क्या दे रखा है, x is a natural number, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है। नेचुरल नंबर का मतलब जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, up to 100, ये आपके पास दे रखा है यूनिवर्सल सेट, आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट दे रखा है आपके पास, x is an even natural number, जो सेट आपके पास गिवन है वो है इवन नेचुरल नंबर्स का सेट, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हम इसको a नाम दे दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, अगर हम नेचुरल नंबर में से इसमें से कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, इसके नंबर छोड़ देते हैं, बाकी हम यू के सारे नंबर उठा लेते हैं, ठीक है। तो x हमारे पास नेचुरल नंबर है और इसमें से अगर हम इवन नंबर छोड़ देते हैं तो क्या बचेंगे आपके पास पीछे,
2, 4, 6, 8 ये हमने निकाल दिए, तो ये बच जाएगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नेचुरल तो है ही है एंड x इज एन ओड नंबर, ठीक है। तो अगर इवन निकाल देंगे तो नेचुरल नंबर में से ओड नंबर रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर निकाल, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो b डैश, इसको हमने b नेम दिया है बी डैश, इस बी डैश क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इवन नंबर। हमने पहले शो कर दिया कि एक्स हमारा नेचुरल नंबर है, ओड निकाल देंगे तो हमारे पास इवन नंबर रह जाएंगे, ठीक है। फिर कहता है कि एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री, तीन के मल्टीपल, पॉजिटिव बोला है इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे वन से शुरू हुए तो तीन के मल्टीपल निकाल दीजिए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सी के कॉम्प्लीमेंट में, सेट बिल्डर फॉर्म है तो कॉम्प्लीमेंट भी इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, एक्स एक्स इज, अगर हम ये देखें कि हमें तीन का मल्टीपल निकाल देना है, 3, 6, 7, 8, 9 आएगा आगे, तो जो आपको स्किप क्या करना है, 3, 6, 9, 12 अप टू सोन, ये आपको इस सेट से निकाल देना तो बचे क्या 1, 2, 4, 5, 7, 8 इस तरह से, तो ये तीन के मल्टीपल नहीं है। तो अब सीधा ही लिखोगे यहाँ पे x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव लिए हैं इसने, पॉजिटिव लेके चलेंगे तो नेचुरल नंबर से आएंगे आपके पास, ठीक है। d सेट कहता है कि x इज ए प्राइम नंबर, अगर हम प्राइम नंबर निकाल देते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो इट्सेल्फ या वन से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप से आपके पास ये प्राइम नंबर होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर निकाल देते हैं तो कैसे नंबर बचेंगे, यहाँ से सेट निकल जाएगा, 1 बच गया, इसके बाद 4, इसके बाद 6, 8, 9, तो इनके आप फैक्टर कर सकते हो, ये होते हैं आपके पास प्राइम नंबर, ठीक है। और ये नंबर इनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, जिसका आप फैक्टर बना सकते हो। तो यहाँ से अगर हम प्राइम निकाल देंगे तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट रह जाएगा, कंपोजिट नंबर जिसके आप फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो प्राइम को निकाल देते हैं। ई सेट कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 और 5 से डिवाइड होते हो नेचुरल नंबर वो आपके पास सेट गिवन है, इसका कॉम्प्लीमेंट उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे ई डैश एक्स इज नॉट, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होंगे तो हम यहाँ पे नॉट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ई सेट ये आपके पास कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एफ सेट दे रखा है एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, कॉम्प्लीमेंट उठाएंगे तो इसके क्या लिखेंगे हम, एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेवेंथ पोर्शन जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है उसमें आपके पास दे रखा था x इज ए क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में क्या लिख देंगे हम, x इज नॉट ए क्यूब। जी सेट नेक्स्ट दे रखा है एट्थ पार्ट, x बिलोंग्स टू x प्लस 5 इक्वल टू 8, इनको रफ कर दें, देखिए एट्थ पार्ट आपके पास गिवन है, सेट दे रखा है आपके पास x प्लस 5 इक्वल टू 8, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दिस इज 3, यानी कि इसमें वो इसमें सेट क्या बनेगा आपके पास, जी सेट हम लेके चले हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3, हमने इसको सॉल्व कर लिया, दैट मीन्स इसमें एक ही नंबर है विच इज़ 3, ठीक है। तो हम क्या यूनिवर्सल सेट हमारे पास दे रखा है नेचुरल नंबर्स का सेट,
हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 3 आई है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारे पास सेट यूनिवर्सल नेचुरल नंबर्स का दे रखा है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, और अगर g में 3 बिलोंग कर रहा है तो g कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाकी सारे नंबर आएंगे, बस x 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम नाइन्थ जो आपके पास दे रखा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 5 = 9, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x = 5 को इधर लाएंगे 4 एंड x = 2, ठीक है। तो h का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, h कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 2, इसके जो हो इसके पास x 2 के इक्वल नहीं होगा, बाकी सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सेम टू सेम आई पार्ट सॉल्व करेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि x हमारा 7 से बड़ा है, ठीक है, तो x 7 के इक्वल या बड़ा है, तो इसमें नंबर कौन से आएंगे, इस सेट में अगर हम देखें नेचुरल नंबर बोल रखा है तो 7, 8, 9, 10 अप टू 10, ये इसमें नंबर बन जाते हैं। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट उठाते हैं, हम पोर्शन कर रहे हैं टेंथ वाला i डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, x such that x belongs to natural number and x हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 7 से बड़े नंबर आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास x less than आना चाहिए 7, 7 इक्वल भी नहीं लगाओगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 7 इसमें इंक्लूड है, ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो हम यहाँ पे इक्वल लगा देते, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 7, x जो ग्रेटर इक्वल टू 7, तो यहाँ पे लिखेंगे x less than 7। नेक्स्ट पोर्शन 11th, x belongs to natural number and 2x + 1 > 10, 2x + 1 > 10, ये दे रखा है, इसको सॉल्व कीजिए, 2x 1 को इधर ले आइए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में से 1 गया 9, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 9/2, तो हम अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जे कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x हमारे पास इस सेट में जो है वो x ग्रेटर आ रहा है 9/2 से, तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, लेस देन इक्वल टू 9/2, देखिए यहाँ पे ग्रेटर था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, तो यहाँ पे हम इक्वल लगा देंगे, ठीक है, उल्टा साइन लगा देंगे, तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है, यू यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए दे रखा है 2, 4, 6, 8, सेट बी दे रखा है 2, 3, 5, 7, आपको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, कौन सा लॉ होता है, ये डी मॉर्गन लॉ। चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं फर्स्ट की, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी निकालिए, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं सारे लेटर्स को, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 2, 4, 6, 8 and 2, 3, 5, 7, बी सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम यूनिवर्सल सेट्स में से निकालते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आप फाइंड आउट करते हो तो यू के वो एलिमेंट उठा लेते हैं जो इनको स्किप करके आते हैं, ठीक है, तो यू के सारे एलिमेंट उठा लीजिए, इनको छोड़ देना है, फर्स्ट 1, 2 निकाल देंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक निकाल देंगे और 9 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। फिर हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या दे रखा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये फाइंड आउट करना है आपको, तो पहले ए डैश निकालिए, ए डैश यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए सेट ये है, यूनिवर्सल सेट में से निकालते हैं तो इन नंबर्स को छोड़ देंगे, यू के सारे नंबर उठा लेंगे, 1, 3, 4 छोड़ दिया हमने, 5 फिर 6 छोड़ देंगे, 7, 8 नहीं लेना, 9, ये आ गया ए डैश। सिमिलरली बी डैश निकालिए, 2, 3, 5, 7, इनको छोड़ दीजिए, 1, 4, 6, 8 एंड 9,
ये आ जाएगा, ठीक है। 2, 3, 5, 7 छोड़ देने, बाकी सारे नंबर यू के उठा लिए हमने। फिर हमें क्या चाहिए, दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन हम दोनों सेट की करेंगे, क्या होता है इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट, कॉमन नंबर 1 दोनों में कॉमन है, 3, 6, 8 नहीं है, 9 दोनों में कॉमन है, ये आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 1 और 9 सेट आया, राइट हैंड साइड का भी 1 और 9, दैट मीन्स ये दोनों आपके पास इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सेम टू सेम तरीके से आपको सेकंड पार्ट करना है, ए लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे तो सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड आउट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट देख लीजिए 2, 2 के बाद हमारे पास 4, 6 एक भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 नंबर कॉमन है दोनों में, ठीक है। फिर हम इसका करते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट उठाते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी डैश करते हैं, देन कॉम्प्लीमेंट के लिए चलते हैं यूनिवर्सल सेट के पास, ठीक है। 2 को छोड़ देना, बाकी सारे नंबर ले लेने हैं, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है, सिर्फ 2 नहीं लेना हमें। फिर करते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या गिवन है, ए डैश यूनियन बी डैश। पहले ए डैश निकाल, ए डैश हमने निकाल रखा है यहाँ पे, ए डैश एंड बी डैश दोनों की यूनियन कर दीजिए, ए डैश यूनियन बी डैश यहाँ से निकाल लीजिए, ए डैश हमने बी डैश पहले निकाल चुके हैं, तो यूनियन करेंगे तो सारे नंबर उठा लेते हैं हम, 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 ये ए डैश के एलिमेंट। फिर हम बी डैश के लेते हैं, 1 आ चुका हमारे पास, 4, 6, 8 एंड 9 दोबारा से नहीं लिखना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 6 एंड 8। इसको आप अरेंज कर सकते हो लेटर्स को, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये सेट आ रहा है सेम टू सेम, ये सेट आ रहा है, इसका मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपके पास, ड्रा द अप्रोप्रिएट वेट डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास ये 4 दे रखे हैं क्वेश्चंस, इनके आपको वेन डायग्राम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम बनाते हैं हम, ये हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, सबसे पहले देखो ए यूनियन बी में कौन कौन सा पोर्शन आएगा, अगर ए के और बी की यूनियन करते हैं तो सारे नंबर ए के आते हैं, सारे नंबर बी के आते हैं। फिर हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू के वो सारे एलिमेंट जिसमें से हम यूनियन को निकाल देंगे, ठीक है। तो पोर्शन कौन कौन सा ब्लैक करोगे आप, ये हो जाएगा जिसमें ए यूनियन बी इंक्लूड नहीं होगा। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा भाई, दोनों सेट इंक्लूड हो जाते हैं, ये आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन दिस सेडेड पोर्शन इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आपको चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो सबसे पहले आप वही लेके चलिए यू यूनिवर्सल सेट, फिर हमें चाहिए सेट ए एंड सेट बी, ए सेट एंड बी सेट। अब पहले निकालिए ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लाइंस शो करेंगे हॉरिजॉन्टली, एंड बी कॉम्प्लीमेंट के लिए लाइंस शो करेंगे वर्टिकली, ठीक है। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो बाकी सारे यू के नंबर आ जाते हैं, सिर्फ हम ए के नहीं लेके चलेंगे, तो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, हमें ए के नंबर नहीं उठाने, बाकी सारे नंबर लेने हैं। ये कंप्लीट पोर्शन आ जाएगा, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ ए सेट के नंबर को छोड़ दिया। ए कॉम्प्लीमेंट यही होता है जिसमें ए के नंबर इंक्लूड नहीं करते, बाकियों के नंबर आ जाते हैं। बी डैश लेके चलेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे बी के नंबर्स को छोड़ देंगे, बी के नंबर हमारे पास पूरा बी सेट छोड़ देंगे और बाकी पोर्शन को ले लेंगे। इसको किसे शो कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन से। तो बी डैश के लिए आप लेके चलोगे वर्टिकल लाइन, सिर्फ हमें बी को छोड़ना है, बाकी सारा पोर्शन उठा लेना है। बी सेट पे आप लाइन नहीं लगाओगे वर्टिकल, वर्टिकल लगानी है बी के बाहर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जो हमने ए डैश निकाला, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमने बी डैश निकाला वर्टिकल लाइन, उन दोनों में से कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कट करेंगी, वो आपके पास कॉमन पोर्शन बनेगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे हमारा कट कर रहा है, दिस इज द ये पोर्शन हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, कॉमन पोर्शन ऑफ शेडोज, ठीक है। तो जो कॉमन पोर्शन आ रहा है आपके पास जहाँ पे ये कट कर रही है, वो हो जाएगा आपके पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी थर्ड पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का कैसे निकालेंगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। यू यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी, ए एंड बी। अब हमें इंटरसेक्शन देखना है, इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन आता है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है इंटरसेक्शन में, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ देंगे इंटरसेक्शन वाले को, क्योंकि हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट, देन बाकी सारे पोर्शन को शेडो कर देंगे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट जो इंटरसेक्शन वाला है वो छोड़ देंगे, बाकी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। कंप्लीट पोर्शन, ठीक है। तो जो शेडो पार्ट आ गया आपके पास कंप्लीट यू सेट में, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिर्फ हमने ये वाला पोर्शन छोड़ा है, इसमें हम कोई शेडो यूज नहीं करेंगे, ये इंटरसेक्शन भी है कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़ के बाकी जितना पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट आपके पास है ए डैश यूनियन बी डैश। फोर्थ पार्ट दे रखा है ए डैश यूनियन बी डैश, इसके लिए बनाओगे वही हमने यू सेट उठाया, ए डैश सेट ए सेट बी, ठीक है। अब हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, वही सेम टू सेम, वैसे तो ये वाला ही हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, हमें सेम टू सेम ये बनाना है आपको। यहाँ पे हमने क्या किया था, जो कॉमन पोर्शन था, यानी कि जहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कट करती है, इसमें सिर्फ वो पोर्शन आएगा। इसमें आप लिखोगे कॉमन पोर्शन ऑफ शेडो पार्ट, कॉमन पोर्शन ऑफ शेडो पार्ट, यानी शेडो तो हमारा ए और बी में भी दिखा रहा है, बट इनमें जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन बाहर वाला है हमारा, वो तो हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर आपको इसी की यूनियन करनी है तो यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट ये ए वाला भी पोर्शन आ जाएगा और जो अकेला बी वाला है वो पोर्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सीधा लिखोगे, अगर आपको दिखाना है कि ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसके लिए आप सीधा लिखोगे कि शेडो, इसको रहने दो, इसी में देख लेना, कंप्लीट शेडो पार्ट, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये कंप्लीट आ जाएगा, ये वाला पोर्शन भी एंड ये वाला पोर्शन भी, बाहर वाला पोर्शन भी, सिर्फ ये पोर्शन बचेगा, बाकी कंप्लीट आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश में। नंबर सिक्स आपके पास गिवन है, यू विद अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। यू यानी कि यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। ए सेट दे रखा है आपके पास, इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स
विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी कि ए जो आप सेट बना रहे हो इसके अंदर वो सारे ट्रायंगल आ जाएंगी जहाँ पे आपके पास कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, ठीक है। वो हमारा एक्स ए सेट दे रखा है, एक्स इज ए ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास ए सेट दे रखा है, हमें बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने कहा कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। जैसे हमने ट्रायंगल बनाई, ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है कि सारे के सारे आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही है। हमने कहा कि कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए, एक एंगल डिफरेंट, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का ना हो, ठीक है। कम से कम बोला है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, यानी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आ रही है कि एक्स ए सेट के अंदर वो ट्रायंगल है जिसके कोई भी एंगल 60 डिग्री का ना हो, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है, हमने कहा इसमें बोला कि कम से कम एक एंगल ना हो, तो दोनों भी नहीं हो सकते। ट्रायंगल में मैक्सिमम एंगल कितने होते हैं, 3। तो ऐसा भी ट्रायंगल आ सकता है कि जिसके अंदर तीनों एंगल 60 से डिफरेंट आ जाए, ठीक है। चलिए ए, पहले ए की पॉसिबिलिटी निकाल लीजिए। ए सेट को आप और क्या कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ए सेट को हम लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल विथ, यहाँ पे हमने कहा कम से कम एक एंगल, हम एटलीस्ट की जगह पे ये भी कह सकते हैं कि नो एंगल, जो आपके पास कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पे एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, 60 डिग्री से कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि विद ऑल 3 एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, क्लियर हुआ। इसमें हमें बोल रखा था कि कम से कम एक एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से। हमने ये बोल दिया कि ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। अगर हमारे पास तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट आ रहे हैं, ऐसा ट्रायंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में ये कंडीशन छोड़ देते हैं, इसके अपोजिट कंडीशन लेते हैं। एक्स इज ए ट्रायंगल विद, यहाँ पे हमने कहा कि तीनों के तीनों एंगल 60 से डिफरेंट है, कॉम्प्लीमेंट में हम इसका उल्टा बोलेंगे, विद ऑल 3 एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। कि तीनों के तीनों अगर एंगल 60 डिग्री के आ जाते हैं तो इससे बिल्कुल अपोजिट हो गया। हमने वो कंडीशन उठानी है जो ए के अंदर ना हो। अगर हम एक एंगल भी 60 का नहीं लेते तो हमारा ए भी ए के साथ वो मैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कम से कम एक बोला है, कम से कम दो भी, कम से कम तीन भी, तो तीनों के तीनों एंगल मैक्सिमम तीन एंगल ही होते हैं, तो 60 की डिफरेंट ले लें तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा विद ऑल 3 एंगल ऑफ 60। और ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, कौन सी होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ए डैश आपके पास क्या बन जाएगा, सेट ऑफ इक्वी, या एक्स इज लिख सकते हो आप, एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के बन जाएंगे, वो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यू यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास। आपको बताना है कि ए यूनियन ए डैश अगर आप करते हो, यानी ए की और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन कर देते हैं, तो क्या आएगा, कंप्लीट यू सेट आ जाता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक दे दिया जाएगा, पिछली क्लासेस देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखिए फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कॉम्प्लीमेंट इसको रफ कर देते हैं,
अगर आपके पास यू सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, ए इसका सबसेट है 1 एंड 2, ठीक है। हमने निकाला कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में 1, 2 को छोड़ देंगे, एलिमेंट आ गए 3 और 4, ठीक है। तो हमने कहा कि ए यूनियन ए डैश करते हैं, दोनों की यूनियन करोगे तो कंप्लीट वापस यू सेट आ जाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि फाई का डैश निकालिए, फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कैसे निकालते हैं? यू के सारे एलिमेंट जो फाई के नंबर्स को छोड़ दें, फाई में कोई नंबर होता ही नहीं, तो कंप्लीट यू सेट आ जाता है 1, 2, 3, 4, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं यू। और ये मैंने प्रॉपर्टीज़ में करवा भी है प्रीवियस लेक्चर में, तो ये आ जाएगा यू इंटरसेक्शन ए, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। इसका मतलब ये हमारा छोटा सेट है, अगर मैं इसके और इसके इंटरसेक्शन करती हूँ तो कॉमन पॉइंट क्या है? 1, 2, विच इज़ इक्वल टू ए, तो ये आ जाएगा ए सेट के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इसके इंटरसेक्शन करके देख लीजिए, कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। एंड यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बस यू के सारे नंबर छोड़ देते हैं, विच इज़ 5, इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटरसेक्शन ए। 5 की और 1 इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या मिला? 5। ओके, इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन नंबर, तो 5 इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 1.6। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।